ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، آج 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے جس میں میرے آقا کی پیدائش بھی ہے اور مشہور قول کے اعتبار سے وفات بھی 12 ربیع الاول کو. اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کا وصال ربیع الاول کے مہینے میں پیر کا دن تھا اور یہ چاشت کا وقت. لیکن 12 ربیع الاول کو پیر کا دن کسی حالت میں فٹ بیٹھتا نہیں ہے اگر مہینے کی تاریخوں کو دیکھتے ہیں. ایک قول ہے 2 ربیع الاول. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی اور خوارزمی اور حضرت موسیٰ بن عقبہ اور حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا قول ہے کہ یکم ربیع الاول، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت 9 سے نہج عرفات کے میدان میں نازل ہوئی اور اس دن جمعہ کا دن تھا. اس اعتبار سے یکم ذی الحجہ جمعرات کا دن، تو عرفات کا دن 9 ذی الحجہ کو جمعہ کا دن تھا، اس اعتبار سے 12 ربیع الاول کی تاریخ فٹ نہیں ہوتی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت کے نازل ہونے کے 81 دن کے بعد، 81، تو 81 دن اگر لیا جائے تو 2 ربیع الاول پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. بہرحال
का दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन है। अल्लाह ने मेरे आका को दीन सिखाने के लिए, दीन अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए दुनिया में भेजा, ये मकसद था। और जब ये मकसद अल्लाह का पूरा हो गया तो फिर अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को अपने पास बुला लिया। इसीलिए आखिर में यह आयत नाज़िल होगी जिसमें शरीयत की तकमील का ऐलान कर दिया है। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन। वरदीतु लकुम इस्लाम दीना, मैंने आज तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को भी तुम पर पूरा कर दिया। और आज के बाद से तुम्हारा मजहब और दीन इस्लाम रहेगा, मैं राजी हो गया इस्लाम से दीन होने का। ये आयत नाजिल होगी। और इसी तरह सूरह फतह, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتوحات آ جائے, کامیابی ملنے لگے, مدائن اور شہر فتح ہونے لگے, اور جب آپ دیکھ رہے لوگوں کو کہ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں, جو تر جو जमात दर जमात दीन में दाखिल हो रहे हैं, फसबिह बिहम्द रब्बिका वस्तग़फिर, तो ऐ मेरे प्यारे नबी, आप अपने आखिरत के सफर की तैयारी में लग जाइए, अपने रब की पाकी बयान कीजिए, अपने रब की हम्द बयान कीजिए और इस्तिग़फ़ार कीजिए। इसलिए कि अब आपके इस दुनिया से जाने का वक्त करीब है, अब अल्लाह से मुलाकात करने का वक्त करीब आ रहा है, ये अलामत है इस बात। वरअईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्द रब्बिका वस्तग़फिर, अपने रब की पाकी बयान कीजिए और इस्तिग़फ़ार में लग जाइए, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होने वाला है। ये सूरत नाज़िल होगी। 29 सफर, सफर की 29वीं तारीख थी। आप एक जनाजे में, जो एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, उसमें तशरीफ ले गए। जन्नतुल बकी से जैसे वापस आए, आपके सर में दर्द शुरू हो, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में जैसे आप दाखिल हुए, बीबी आयशा ने ये कहा, वा रासा, हाय मेरा सर फटा जा रहा। मेरे आका ने सुनकर फरमाया, आयशा तुम्हें क्या हो गया कि तुम ये कह रही हो? ये तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मेरे सर में दर्द है। और आप समझ गए थे कि यही दर्द है सर, आपके मरज़ुल वफ़ात की इब्तिदा का वक्त है। आयशा कहना तो मुझे चाहिए, तुम कह रहे हो? और फिर आपने दिल अजी फरमाई, आयशा फिक्र मत करना, अगर तेरा इंतकाल हो भी गया तो तेरे तजहीद और तकफीन का इंतजाम मैं करूंगा, तेरे जनाजे की नमाज मैं पढ़ा दूंगा। तो दीदी आयशा ने बड़े लाड़ और प्यार से कहा, अच्छा आप तो मेरी मौत ही को चाहते हो,
और जब मेरी मौत हो जाए तो उसी दिन आप मेरे बिस्तर पर मेरे हृदय में किसी और बीवी के साथ आराम फरमाएंगे। आपने फरमाया कि आयशा ऐसा नहीं है, पहले मैं ही जानता, वो यही हो। बीवी आयशा तो दुनिया में रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल पहले, आप इस सारे पानी को छोड़कर पहले गए। बीमारी के दिन एक कॉल है 14 दिन, एक कॉल यह है कि 13 दिन, क्योंकि बुध के दिन से आपकी बीमारी शुरू हुई थी, बुध से लेकर पीर और पीर से लेकर आइंदा पीर, तकरीबन 2 हफ्ते आप बीमार रहे। रोजाना हर बीवी के घर तशरीफ ले जाते थे, क्योंकि 9 बीवियां थी उस समय, उस वक्त 2 बीवी का इंतकाल तो पहले से हो गया था। एक हजरत खदीजत कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, और नंबर 2 हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, इनकी कब्र मक्का में। जिस वक्त आप बीमार हुए हैं उस वक्त 9 बीवियां थी, हर बीवी के घर तशरीफ ले जाते थे, लेकिन आपकी दिली तमन्ना थी कि मैं आखिरी हफ्ता बीवी आयशा के कमरे में गुजारूं, इसलिए आपने सराहतन तो नहीं फरमाया, हां इशारतन आप पूछते जाते थे कि आइंदा कल मेरी बारी कहां, आइंदा कल मैं कहां रहूंगा। अज़वाजे मुतहरात समझ गई कि बीवी आयशा के घर में रहना चाहते हैं, तो आपने पर अज़ा व रहमत तमाम बीवियों ने इजाजत दी कि आप जैसा चाहें, आप हुजरे आयशा में आखिरी हफ्ता गुजार रहे या रसूलुल्लाह। चुनांचे ये आखिरी हफ्ता मेरे आका ने बीवी आयशा के हुजरे में गुजरा, और एक वजह यह थी कि जो अल्प का अंश और ताल्लुक बीवी आयशा से था वो और बीवियों से नहीं था, कल भी मैदान, इसमें इंसान मुकल्लफ नहीं है। कल्ब का मैलान किसी एक तरफ हो, और चूंकि फकीर भी थी, समझदार थी, और उम्र में कम थी, लिहाजा खादिमा भी थी, खिदमत करती थी, तो इंसान को आखिरी उम्र में खिदमत की जरूरत पड़ती, तो ये वजह भी थी। और एक वजह यह भी थी कि बीवी आयशा के हुजरे में होते, बीवी आयशा के लिहाफ में होते, वही इलाही का नुज़ूल होता था, जिब्रील का आना होता था, और किसी बीवी के घर में जिब्रील का आना और वही इलाही का नाजिल होना ये नहीं होता। तो आपको ये इम्कान था कि हो सकता है वही इलाही नाजिल हो और मेरी उम्मत के बारे में अल्लाह का कोई हुक्म आए, इसलिए आका ने आखिरी हफ्ता बीवी आयशा के हुजरे में गुजारा। पीर मंगल बुध और जुमेरात के दिन जोहर के वक्त आप पर बेहोशी डाली, आपने 7 मशकीजों का पानी मंगवाया और 7 मशकीजों का पानी अपने ऊपर बहाया। जब आपको इफाका हुआ तो जोहर की नमाज के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ, आपने जोहर की नमाज पढ़ाई और फिर खुतबा दिया। इस खुतबे में आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक के फजाइल बयान किए, हजरत अंसार सहाबा के फजाइल,
मदीना वालों के हुकूक, अंसार मदीना से नरम का मामला करना, नरमी का, अगर इनसे कोई भूल हो जाए तो दरगुजर कर देना। इनके वफादार को इनामात से नवाजना और इनके खतावार से दरगुजर कर देना। क्योंकि जब हिजरत हुई तो मदीना वालों ने ही मेरे आका को साथ दिया। वो दिन खुशी का दिन था। हजरत अनस कह रहे हैं, मदीना में दो दिन बड़े जबरदस्त गुजरे, एक खुशी का दिन हिजरत वाला, जबकि सहाबा के बच्चों ने तराना पढ़ा था, तल बजरो من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما جاء لله داعي أيها المبر صوفي पर हिदायत का आफ्ताब तुलू हो, हिदायत का चांद मदीना में जाहिर होगा, और एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हमारे अंदर तशरीफ लाए। अब तो अल्लाह की नेमतों का शुक्राना हम पर वाजिब हो गया कि आपने हमको अल्लाह के दीन की तरफ दावत दी, अल्लाह से तआरुफ करवाया, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। वो शख्सियत जो हमारे अंदर भेजे गए हो, आप से आपकी बात मानी जाएगी, आपकी इताअत की जाएगी, आपकी नाफरमानी नहीं की। ये तराना चूंकि मदीना वालों ने पढ़ा तो अंसार मदीना से मेरे आका को ताल्लुक था, इसलिए आपने अंसार मदीना के हुकूक बताए। और फिर अपने वफात की तरफ इशारा करो, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, हमने किसी बशर के लिए हमेशा रहना दुनिया में मुकर्रर नहीं किया, बल्कि एक दिन सबको जाना। आपकी वफात पाएंगे इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम लमय्यितुन, सबको मरना है और सबको मरकर अल्लाह के पास जाना। और आपने वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल قد خلق من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين على التلاوة. أي لو أنك إيك بنداه अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है, या तो दुनिया में रहे या आलम आखिरत में आए, तो उसने आलम आखिरत को पसंद कर। ये सुनते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने धड़ मार मार कर रोना शुरू, क्योंकि आप समझ गए थे कि ये बंदा और कोई नहीं है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपने बारे में कह रहे हैं
पहले तो सहाबा को ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के नबी ने एक बंदे के बारे में अगर ये फरमाया तो इसमें रोने की क्या वजह है, रोने की क्या बात है। मगर बाद में जब आपकी वफात हुई तब जाकर सहाबा को मालूम हुआ कि वो बंदा कोई और नहीं था, खुद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब जाकर मालूम जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज आपने पढ़ाई, सूरह वलमुरसलात उर्फन वलआसिफात असफन वलजारियात युसरन, आपने ये सूरत पढ़ी। ये मगरिब की नमाज आपकी आखिरी नमाज थी। हदीसें दोनों तरह की आती हैं, बाद रिवायत में कि आपने आखिरी नमाज वो जोहर की पढ़ाई, फिर आपने और कोई नमाज नहीं पढ़ा, और बाद रिवायत में है कि आपने आखिरी नमाज मगरिब की पढ़ी। तो उलमा ने दोनों रिवायतों में जमा किया है कि जहरी नमाजों में आखिरी नमाज आपने मगरिब की पढ़ी, किरात वाली नमाज, और सिरी नमाज जो खामोश वाली है वो जोहर की। एक नंबर दो, मगरिब की नमाज को आखिरी नमाज इसलिए कहा गया कि मुस्तकिल पूरी इमामत आपने मगरिब में है। जोहर को जो आखिरी कहा गया वो मुस्तकिल इमामत के एतबार से नहीं बल्कि आजी नमाज। इब्तदाई नमाज तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, वो कौन सी सही चल के दिन जोहर की नमाज। हजरत अबू बकर सिद्दीक पढ़ा रहे थे, दरमियान में मेरे आका को ले जाया गया, हजरत अब्बास और हजरत अली रजी अल्लाह तआला के कंधों पर सहारा देकर, और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बाई जानी आपको बिठा दिया गया बाई जानी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं, यहां यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और बाई जानी हजरत अबू बकर सिद्दीक की बाई जानी आप, और इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक और पीछे साहब। ईमान तो आप ही थे, आपने बैठकर नमाज पढ़ाई बकिया नमाज, हजरत अबू बकर सिद्दीक आपकी इख्तिला कर रहे थे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक की इब्तिदा में तमाम सहाबा नमाज अदा कर, दोनों रिवायतें जमा हो जाती। इस सूरत की आखिरी आयत फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून कुरान की तरफ इशारा करती है, गोया मेरे आका हमको कुरान देकर गए हैं कि कुरान को पढ़ते रहना, इसमें तुम्हारे लिए हिदायत के सामान हैं, हिदायत की दलीलें हैं, हिदायत की बातें हैं, कुरान करीम को पढ़ते हैं। ताज्जुब है कि कुरान जैसी बात के बाद अब ये लोग किस बात पर और किस किताब पर ईमान लाएंगे जबकि कुरान पर ईमान नहीं ला रहे। ये मगरिब की नमाज थी। ईशा की नमाज का जब वक्त आया तो आप पर फिर बेहोशी तारी हो, जब आप उठने लगे इफाका आने के बाद फिर बेहोशी तारी हो, फिर उठे फिर बेहोशी तारी हुई, तीन बार, तीसरी मर्तबा में आपने समझा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है, तो बीबी आयशा ने कहा ला हुम यंतज़िरून या रसूल, सरकार वो तो आपके इंतजार में बैठे हैं साहब। तो आपने फरमाया कि मुरु अबा बकर फलयुसल्लिम बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़े। चुनांचे ईशा के बाद से मेरे आका पर मस्जिद में आना मौकूफ हो,
और अब सारी नमाजें पीर तक 17 नमाजें होती हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा। ये जिगर और कलेजा हजरत अबू बकर सिद्दीक का था कि मेरे आका मौजूद हैं और नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक पढ़ाते। मौजूद तो आज भी है मगर रोजे मुकद्दस में हमारी निगाहों के सामने नहीं है, रोजे मुबारक में। आज भी मगरिब इशा की जो किराद होती है मेरे आका सुनते हैं। अल्लाह हम सबको वहां की हाजिरी से मालामाल। अल्लाह हम सबको एक मुकाम सुनते तो आज भी उस किराद को। इशा की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, जुमेरा जुमा शनिचर इतवार। इतवार के दिन बीमारी की वजह से घर वालों ने आपको दवा पिलाई जबकि आप पीना नहीं चाहते थे। बीमार आदमी दवा से जरा मुंह कतराता है मगर घर वालों ने जबरदस्ती पिलाई तो मेरे आका ने फरमाया अब इसका बदला यह है कि तुम्हारे मुंह में भी दवा डाली जाए सिवाय हजरत अब्बास। क्योंकि हजरत अब्बास इस फैल में मौजूद नहीं थे, मशवरा दिया था इन्हें, फरमाया सबके मुंह में दवा टपकाई जाए कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का गजब नाजिल हो। इसलिए इस तमाम घर वालों को दवा पिलाई। पीर का दिन फजर की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक की इब्तिदा में सहाबा पढ़ रहे हैं और मेरे आका ने हुजरे आयशा का पर्दा हटाकर देखा। पीछे के जो सहाबा थे उनकी नजर पड़ गई। करीब था कि नमाज तोड़कर वो दौड़े चूंकि आका सहाबा को नमाज में देखकर खुश हो गए। पीर के दिन फजर की नमाज सहाबा जमात के साथ पढ़ रहे, चेहरे अनवर खुशी के मारे खिल उठा। ऐसा लगा जैसे कुरान का वर्क है जिस पर सोने भी पानी चढ़ा दिया। खुश हो गए। जब वो सहाबा पीछे वाले आने लगे तो आपने इशारे से कहा वो पर्दा छोड़ो, ये अखीरी ज़ियारत थी सहाबा की मेरे आका के चेहरे पर। जब नमाज से फारिग हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजरे शरीफा में आए, देखा कि आज आपको इत्मीनान है और चेहरा भी खुशी के मारे खिला हुआ है तो इजाजत मांगी कि या नबी अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं जरा हबीबा के घर में होकर आऊं आपकी दूसरी बीवी जो मकाम सुख में रहती थी। मकाम सुख हजरत अगर इजाजत हो तो आपको ठीक है जाओ होकर। अल्लाह ने आशिके जार को किसी बहाने से हटा ही दिया वहां से, वरना हुजूर की वफात का मंजर हजरत अबू बकर सिद्दीक न देख सकते। हटा दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, अजवाजे मुतहरात बैठी हैं नसीहत करते रहे। हजरत हसनैन से प्यार किया, अहले बैत के हुकूक बताए। बीबी आयशा कहती हैं कि हुजूर ने अपनी वफात से पहले अपना सर मेरी गोदी में रख दिया। हुजूर टिकटिकी मांग कर ऊपर देखते रहे तो मैं समझ गई कि हां अपना मकाम देख रहे हैं। हदीस में अल्लाह ताला हर नबी को उसकी वफात से पहले उसका मकाम बता दिया कि ये तुम्हारा मकाम है यहां तुम्हें आना है ताकि आलम आखिरत को पसंद कर। तो बीबी आयशा कहती मैं समझ गई
कि अब हुजूर हमारे दरमियान में रहेंगे नहीं, अपना मकाम देख रहे हैं आखिर, अब हमें छोड़कर चल बसे। अखीरी फैल आपने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर के हाथ में मिसवाक थी, तो मिसवाक को देखा तो आपने मिसवाक करना चाहा। बीबी आयशा समझ गई कि मिसवाक करना चाहते हैं, तो हजरत अब्दुर्रहमान से मिसवाक ली और दांतों में नरम किया और खुद ही दंदा ने मुबारक पर थे। इसीलिए कहती थी अम्मी जान हजरत आयशा, अल्लाह ने इस दुनिया से जाने के वक्त मेरे थूक को और हुजूर के थूक को जमा कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आप पर बेहोशी तारी होती गई। पानी का प्याला पास में था, उसमें हाथ डालते और पेशानी अनवर पर थे ताकि पसीना दूर हो। बार बार कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नल मौत सकरातुन, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नल मौत सकरातुन, इबादत के काबिल अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, और मौत की अलबत्ता बड़ी सख्तियां। सीधी आयशा कहती थी पहले तो मैं रश्क करती थी उस पर जो अचानक मर जाता था, तकलीफ नहीं होती थी और मैं तकलीफ को पसंद नहीं करती थी, मगर मेरे आका की जब तकलीफ को मैंने देखा कि मौत से पहले कुछ ना कुछ तकलीफें तो होती है, इसमें इंसान के आमाल का दखल नहीं, कुछ ना कुछ अल्लाह आजमाते। तो उसके बाद से मैंने कभी किसी की तकलीफ को नापसंद नहीं किया, जब से मैंने मेरे आका की वफात को देखा और आपकी हालत को देखा। बस ये चाश का वक्त था, दस्ते मुबारक छत की तरफ उठे और आखिरी जुमला जो मेरे आका की जुबान से निकला, अल्लाहुम्मा फिर ली وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى, और फिर तीन मरतबा फरमाया اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى, ये फरमाया और दस्ते मुबारक धीरे 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हम सब की तरफ अरब हा अरब खरब हा खरब सला तो सलाम पेश है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह है मौलाना, आपके अजवाज आपके अहले बैत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, हमारी आशीष मजलिस को अल्लाह ताला कबूल फरमा। ये 40 मिनट का बयान अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मजलिस में जितने शामिल हैं उम्मीद के ऊपर अल्लाह सबको कबूल फरमाए और हमारी जायज मराज अल्लाह ताला पूरी फरमाए। आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।